नमस्कार, आप सबका स्वागत है केबीसी 10। किसान की दर्द भरी कहानी सुनकर भावुक हुए बिग डी, रो पड़े सब। दोस्तों, आप भी कौन बनेगा करोड़पति शो के फैन हैं तो सबसे पहले ये वीडियो जरूर लाइक करें। इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति शो काफी पॉपुलर हो रहा है और बीते कल शो के दौरान एक किसान अनंत कुमार हॉट सीट पर बैठे और उनकी कहानी सुनने के बाद होस्ट बिग डी भी इमोशनल हो गए। जी हाँ, दरअसल शो के दौरान अनंत कुमार ने अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए बताया कि उनकी वार्षिक आय करीब 60,000 रुपए है, वह भी तब जब बरसात अच्छी हो। अनंत कुमार ने बताया कि मैं जिस गांव में खेती करता हूँ वहाँ पर सिर्फ 6 घंटे बिजली आती है। अगर बिजली ज्यादा आएगी तो खेतों में ज्यादा पानी दे सकेंगे, बारिश होती है तो अच्छा है वरना वे भी नहीं मिलता। हालत ऐसी है कि बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। बस केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब बिग डी ने उनसे पूछा कि जब आपके पास दुर्भाग्यवश पैसा न हो तो कैसे खेत में बीज बोते हैं, इस पर अनंत कुमार ने बताया, पत्नी का मंगलसूत्र के अलावा बाकी गहने गिरवी रखते हैं और फिर काम करते हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन अनंत कुमार से पूछते हैं कि आपको गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई है, बिजली भी नहीं है, तो आप काम कैसे करते हैं। इस सवाल पर अनंत कुमार को रोना आ जाता है, लेकिन थोड़ा संभल कर वो कहते हैं कि ऐसे ही गुजारा चल रहा है हमारा। सभी को यह उम्मीद है कि अनंत कुमार करोड़पति जरूर बने ताकि वो अपना कर्ज उतार सकें।